करना है और ये दो दिन का मूव आपके लिए हाजिर करेंगे अरविंद का शेयर। आप देखिए आज भी करीब 6% तक के गेंस दिखाता हुआ 165 पर ट्रेड कर रहा है। ये कल ही स्टॉक भागने लगा, अब आपको क्या लग रहा है और बढ़त आती हुई दिखाई देगी? इन्होंने ऑफ कोर्स कुछ ब्रांड्स में हिस्सेदारी खरीदी और सब्सटेंशियल हिस्सेदारी खरीदी है कैल्विन क्लाइन में, तो क्या एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में या फिर अब ये फिजल आउट करेगा? नहीं, मेरे ख्याल से ये और भी ऊपरी स्तर दिखाने की संभावना रखता है ये स्टॉक। बेसिकली एक ब्रेकआउट इसमें मिला था करीबन 26 फरवरी को, और उस ब्रेकआउट को टेस्ट करके वापस ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल था करीबन 160, जो आज इसने क्रॉस कर चुका है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी आएगा। मेरे ख्याल से ये मार्केट आउट परफॉर्मर रहना चाहिए अगले 15 दिनों तक। मोमेंटम के हिसाब से ये करीबन 175 से 182 तक के टारगेट्स इसको इसमें देखने को मिल जाने चाहिए अगले दो हफ्ते में। कुछ खबरें आती हुई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर पैनल रिपोर्ट ऑन गोवा माइनिंग टुमारो, यानी कल गोवा माइनिंग के ऊपर रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट इसको कंसिडर करेगा। सहसा गोवा के स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने ये सलाह दी है कि माइनिंग फिर से एक्टिविटी शुरू की जाए गोवा में। और देखिए ये शेयर इसी खबर पर एक तेजी से अप मूव अप दिखाता हुआ, जब हमने आपको बताया कि इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सहसा गोवा का स्टॉक आपको कैसा लगता है किरण? चार्ट पर क्या यहाँ पर ट्रेडर्स बेट कर सकते हैं ये जानते हुए कि कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा? बिल्कुल लॉन्ग ही करना चाहिए, बहुत बेहतरीन सपोर्ट है करीबन 173-175 के करीब। हमेशा ये देखा गया है पिछले सितंबर 2013 से कि हमेशा 175 के पास आने के बाद एक बार 200-210 के रेंज में चला जाता है। इस बार तो न्यूज़ की भी अपेक्षा है, तो मेरे ख्याल से इसमें बाय करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट्स इसके यानी दो दिन के टारगेट्स करीबन 190 के होंगे, पर मीडियम टर्म के टारगेट्स 210 तक हो जाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आ जाता है।